नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करते हैं। 2 संबंध सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर ट्रेडोश एड्रेनाम गैबे रेलियस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। वो डॉक्टर मार्गरेट चैन का स्थान लेंगे, जो 5-5 साल के 2 कार्यकाल यानी 10 वर्षों तक काम करने के बाद इस पद से रिटायर हो रही है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वास्तविक प्राथमिकताओं में मलेरिया, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ट्यूबरक्लोसिस, यौन रोग, पोषण और पर्यावरण स्वच्छता, एनवायरमेंट सैनिटेशन इत्यादि विषय सम्मिलित थे। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विषय जो संज्ञान में लिए गए थे वे थे जन स्वास्थ्य कल्याण प्रशासन पर जैविक तथा विषाणुजनित बीमारियां तथा मानसिक स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता आयोग के प्रयासों के परिणाम के रूप में सामने आया, जिन्हें 19वीं शताब्दी के संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा उपचार हेतु बनाया गया था। जहां एक तरफ पूर्व में बनाए गए संगठन का उद्देश्य किसी संक्रामक रोग को एक विशेष राष्ट्र अथवा क्षेत्र से बाहर रखना होता था, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य किसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करना होता है। फिर चाहे वह विश्व के किसी भी राष्ट्र अथवा भाग में फैली हुई हो। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी टीम, जिसमें कि कुशल डॉक्टर को शामिल किया गया होता है, को किसी नई संक्रमणशील बीमारी जैसे कि श्वसन संबंधी रोग, फ्लू इत्यादि वाले क्षेत्रों के उपचार हेतु भेजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्यों राष्ट्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तथा केंद्रों आदि का निर्माण भी करवाता है। तो आपने देखा होगा, अभी जब कोरोना आया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत भीड़ के काम किया है और सभी देशों के लिए वे कार्यरत रहे। भारत में भी WHO की कई गाड़ियां आपने देखी होंगी, वो भी लगी रही लोगों की सुरक्षा के लिए।
एवं कैसे हम बचें कोरोना के लिए, उसके लिए स्टेटमेंट भी उन्हीं लोगों ने बताया कि मास्क पहने और डिस्टेंस बनाए रखें, ये सब चीज़ें, और हाथ को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, ये सब बताया गया। तो ये भी एक अच्छा काम है लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ, मतलब स्वस्थ जो पर्यावरण को कैसे स्वस्थ बनाना, ये सब चीज़ें बताया गया है। तो स्वस्थ जीवन ही सब कुछ है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए अच्छा खाना भी चाहिए। जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा मन बनने लगता है। इसलिए आप गलत चीज़ों का सेवन ना करें। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू, ये सब चीज़ें का सेवन ना करें। इससे आपका लीवर, किडनी, ये सब डैमेज हो जाता है। और सिगरेट पीने से आपका चेस्ट और जो श्वास नली है, ये सब पूरे भर जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, जिससे कि श्वास लेने में आगे तकलीफ़ जाता है, टीवी हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों से बचें और अच्छे फलों का सेवन करें। और अभी अभी के गर्मी के मौसम के हिसाब से लस्सी पिएं, गन्ना रस पिएं, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उपयोगी है। और जो फास्ट फूड है उससे बचें। फास्ट फूड से हमारे पेट में जाकर वो जमने लगता है, तो इस चीज़ों से बचें। और जो जल्दी पचे ऐसा चीज़ें खाएं गर्मी में, जैसे रोटी के साथ आप दही खा सकते हैं, शक्कर मिला के या मिश्री मिला के। मिश्री सबसे अच्छा चीज़ है गर्मी के लिए, शांत करता है गर्मी। शरबत पिए, पलाश का शरबत पी सकते हैं, गुलाब का शरबत पी सकते हैं। तो अच्छे अच्छे चीज़ों का उपयोग करें, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे और मन प्रसन्न रहे। और योगा करें, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। करो योग, रहो निरोग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना था कि योग बहुत ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से रक्षा होती है। तो ये सब चीज़ें का, और आंवला और संतरा अवश्य खाएं, इसमें बहुत ही पावर है। डॉक्टर डायमंड साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा कि एक देसी आंवला में 500 अंडे का पावर है, एक देसी संतरे में 200 अंडे का पावर है। तो ये इसका सेवन रोज़ अवश्य करें। जय श्री राम।